दुश्मनों को धूल चटाने वाला, जिसके नाम से दुश्मन थर थर कांपते हैं, पूरी दुनिया में सभी के दिलों पर राज करने वाला, गरीबों का रखवाला, एक बार फिर से आ रहा है मानवता की परिभाषा शक्तिमान। हेलो दोस्तों, बिगेस्ट एक्शन अपकमिंग मूवी शक्तिमान, जिस मूवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है, यानी कि मुकेश खन्ना की तरफ से इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अनाउंसमेंट के मौके पर एक शानदार ऑफिशियल टीजर लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस फिल्म में किस स्टार को कास्ट किया जाएगा लीड रोल में शक्तिमान के किरदार के लिए। जैसा कि शक्तिमान के किरदार के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, एक मशहूर टीवी शो इंडिया का, जिस शो को लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे, जिसमें मुकेश खन्ना जी शक्तिमान के किरदार में सुपर हीरो बन करके लोगों की मदद करते थे, यानी कि तरह तरह के मुसीबतों का सामना करते थे। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो फिल्म आ रही है शक्तिमान, जो शो से बिल्कुल अलग होने वाली है फिल्म, यानी कि सुपर हीरो के किरदार में नजर आएगा इसमें का जो शक्तिमान होगा, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बना कि आखिरकार किस स्टार को कास्ट किया जाएगा। आपको बता दें तो इस फिल्म के लिए बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के कई मशहूर कलाकारों का नाम सामने आया था। सबसे पहले रणबीर सिंह का नाम सामने आया था, उसके बाद प्रभास, फिर अक्षय कुमार, उसके बाद अब ऋतिक रोशन का नाम सामने आ रहा है। ऋतिक रोशन शक्तिमान के किरदार में नजर आ सकते हैं। दरअसल शक्तिमान के किरदार के लिए ऋतिक रोशन को ट्रायल भी किया गया, यानी कि ऋतिक रोशन को लेकर के एक कॉन्सेप्ट प्रोमो भी आउट कर दिया गया है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। जैसा कि ऋतिक रोशन को बॉलीवुड का सुपर हीरो कहा जाता है, क्योंकि क्रिस फ्रेंचाइजी में जिस तरह से ऋतिक रोशन क्रिस बनकर के लोगों की मदद करते हैं, यानी कि कोई भी मुसीबत आती है तो उस वक्त क्रिस आता है और लोगों को बचाता है, जो कि काफी शानदार मोमेंट होता है। तो फाइनली अगर शक्तिमान के किरदार के लिए ऋतिक रोशन को कास्ट किया जाता है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। वैसे फिलहाल आप शक्तिमान के किरदार में किस हीरो को देखना पसंद करेंगे साउथ से लेके बॉलीवुड तक, यानी कि कौन सा स्टार शक्तिमान के किरदार के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जिसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।